एंड लेट स्टार्ट विथ द सेशन आज हम एनिमल uh, किंगडम के एम सी को मोस्टली करने वाले कल ही करने वाले थे लेकिन uh, कुछ टेक्निकल इशूज आ गया था तो इसलिए आज मैंने ये शेड्यूल किया था संडे स्पेशल रखा था एंड एक दिन भी दिया था तुम लोगों को प्रिपरेशन करने के लिए सो so, होप तुमने प्रिपेयर किया होगा यस आशीष वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग सो शुरू करते हैं भैया बच्चे आ जाएंगे जल्दी जल्दी गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इविंग सबको गुड इवनिंग चलो आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ यस yes. सो दिस इज द दसेरेशन रीजन क्वेश्चन सीरीज एंड इसके पहले भी हमने काफ़ी सारे चैप्टर किए हैं सेल डिविजन वाला चैप्टर किया है सेल बायोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन प्लांट किंगडम एंड नाउ ये डायवर्सिटी का लास्ट सेशन है डायवर्सिटी uh, यूनिट का दैट इज एनिमल किंगडम असेरेशन रीजन सीरीज का इसके बाद हम मोस्टली विल स्टार्ट विद द ह्यूमन फिजियोलॉजी सीरीज जी हाँ हम ह्यूमन फिजियोलॉजी सीरीज करेंगे मोस्टली आफ्टर द दिवाली क्योंकि फिर uh, तुमको प्रिपरेशन करने में टाइम भी मिल जाएगा थोड़ा सा सो हेलो हेलो जी जी बिल्कुल हेल्प कर देंगे यार आशीष बिल्कुल हेल्प कर देंगे ठीक है सो लेट स्टार्ट ठीक है आपको अगर नोट्स वगैरह चाहिए होंगे तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना डॉक्टर शुभमो इज माई टेलीग्राम चैनल नेम एंड इस पर ही पी वगैरह आते हैं एंड लेक्चर के अपडेट्स वगैरह जो है वो आते हैं ठीक है सो लेट स्टार्ट शुरू करें आर यू रेडी चलो भैया लाइक करके बता दो मुझे, मुझे कि तुम आ चुके हो एंड सब्सक्राइब भी करो अगर चैनल पे नए हो तो एंड दोस्तों को भी बुला लो फॉर बहुत ही फन एंड इंटरेक्टिव सेशंस होने वाला है बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यूज मैंने लाए हैं जो आपको एनिमल किंगडम के जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके सारे कंसेप्ट जो है ये क्लियर कर देंगे आपके ठीक है चलो लेट योर फर्स्ट एमसीक्यू फॉर यू अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन फाउंडिडाज ठीक है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में फाइंड आउट की जाती है एंड यहां पे रीजन क्या दिया है कि ट्रू सिलोम एनिलिडाज में जो है वो ट्रू सिलोम होता है क्या होगा बोलो आशीष ने आते ही शुरू कर दिया है वार आशीष कह रहा है कि बी लगा रो सर बी लगा दो सर ठीक है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिडा में फाइंड आउट की जाती है नो डाउट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या कि भैया ब्लड वेन्स या आर्टरीज में से फ्लो होता है दैट इज अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एंड दैट इज फाउंड इन फाउंडिंग दैट इज ट्रू सो अशन यहां पे ट्रू है ठीक no है नो डाउट अबाउट इट कि असरशन यहाँ पे ट्रू है अभी रीजन क्या है ट्रू एनिलिडाज या एनिडाज में ट्रू सिलोम भी होता है सो दैट इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग एनिडाज सो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है ठीक है दोनों स्टेटमेंट ट्रू है बट इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है क्या नो देर इज नो रिलेशन आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है सो यहां पे ऑप्शन क्या आ जाएगा भैया बी ऑप्शन जैसे कि आशीष ने बोला है बाकी लोग भी आंसर दो चलो ठीक है सो फर्स्ट ऑप्शन क्लोज सर्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन एनिडाज रीजन क्या है एनिरडाज ट्रू सिलो ठीक है चलो नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन इन द स्पॉन्ज इज इंटरनल ठीक है फर्टिलाइजेशन इन द स्पॉन्ज इज इंटरनल रीजन क्या दिया स्पॉन्जेस आर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स अब बताओ इसमें क्या होना चाहिए भैया सीधा रही ये होना चाहिए फर्टिलाइजेशन इन द स्पॉन्जेस इज इंटरनल

ठीक है बी ऑप्शन आएगा ठीक है चलो वेरी गुड वेरी गुड नेक्स्ट स्केलेटन ऑफ द स्पॉन्जेस इज मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स ठीक है स्केलेटन जो होता है ओवरऑल बॉडी जो होती है स्पॉन्जेस की वो स्पीकुल्स की बनी होती है एंड uh, यहां पे रीजन क्या दिया है बोले कंपोजिशन ऑफ स्पिक्यूल्स हेल्प इन अ क्लासिफिकेशन ऑफ स्पॉजेस क्लासिफिकेशन हमको क्लासिफाई करने के लिए इजी जाए इसीलिए स्पॉन्जेस ने अपनी बॉडी जो है वो अलग अलग कैल्शियम एंड सल्फेट एंड अलग, अलग अलग ग्लासी ग्लासेस की क्रिस्टल्स की या स्पीकुल्स की बनाई है तो सही लगता है तुमको देखो सही तो है इट्स नॉट अबाउट रॉन्ग रीजन सही नहीं है कंपोजिशन ऑफ स्पीक्यूल्स हमको हेल्प करता है लेकिन ये हमने बाद में तय किया है हमने ये तय किया कि ये स्पॉन्जेस अलग स्पीकुल्स का है वो स्पॉन्जेस अलग स्पीकुल्स का है ये सही है क्लासिफाई हम स्पॉन्जेस को स्पीकल्स के बेसिस पे ही करते हैं ठीक है लेकिन ये बाद में तय होती है हमने ये इसका रीजन तो नहीं होगा कि स्पॉन्जेस को स्पीकिल्स क्यों है तो प्रोटेक्शन करने के लिए होता है ठीक है एक्सटर्नल फोर्सेस से अपोजिट आप, करने के लिए होता है सो दैट शुड बी द रीजन प्रोटेक्शन के लिए ठीक है तो ये रीजन तो नहीं होगा लेकिन सही है दोनों सही है ठीक है दोनों सही है सो so यहां पे ऑप्शन क्या आ जाएगा तुम्हारा बी ऑप्शन अगेन बी ऑप्शन आज बी ऑप्शन बहुत फेवरेट है

इट इंक्लूड्स स्मॉल मराइन फॉर्म्स विदाउट हेड स्मॉल मराइन फॉर्म्स विदाउट हेड सही लग रहा है हेड वो क्या बोल रहे डायरेक्ट हेड ही नहीं है बोले हेड ही नहीं है बोले हेलो प्रीति आर यू प्रकृति बोलो क्या होगा सहीदा केरी सी ऑप्शन होना चाहिए ठीक है सो so, यहां पे भी वी विल गो विद द ऑप्शन बी यस प्रकृति वी विल गो विद द ऑप्शन बी इट इंक्लूड्स कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म हैं कि जिसमें हेड नहीं होता कुछ कुछ में हेड्स होता है लेकिन क्रेनियम नहीं होता तो दोनों इसमें इंक्लूड किए जाते हैं करेक्ट एक्सप्लेनेशन ठीक है दैट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो यहां पे क्या आ जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा ठीक है बी ऑप्शन आ जाएगा तो ये ध्यान में रखना हेलो नाइना यू ठीक है चलो नेक्स्ट कोल्ड बडेड एनिमल्स डू नॉट हैव अ फैट लेयर अभी ये काफी फैंटेस्टिक

देखो यहां पे अभी. Animals have animals मतलब क्या कि जो अपना रेगुलेशन टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं कर पाते ठीक है एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ मतलब अभी मतलब क्या बाहर 40 डिग्री सेल्सियस तापमान हो रहा है लेकिन मेरे बॉडी का कितना रहेगा 37 ही रहेगा सो इंटरनल एनवायरमेंट कॉन्स्टेंट रहता है इरिस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ठीक है तो उनको हम क्या कहते हैं हॉट ब्लडेड कहते हैं ब्लडेड कहते हैं ठीक है लेकिन कोल्ड ब्रेडे मतलब क्या कि जैसा बाहर का एनवायरमेंट होगा वैसा उनका ब्लड का टेम्परेचर वेरी करेगा ठीक है सो दैट इज लिजार्ट और कोल्ड ब्लड एनिमल का एक्साम्पल सिंपल हमने देखी है लिजार. तो लिजार्ट बहुत ही चिपके सी होती है पतली सी होती है उसमें कोई भी फैट का लेयर क्यों नहीं होता इसीलिए नहीं होता है क्योंकि जब वो हाइबरनेशन में जाती है समर स्लिप में जाती है सॉरी विंटर स्लिप में जाती है हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लिप में जाती है तो मेटाबॉलिक होता है उनके बॉडी के अंदर एंड वो क्या कर लेती है वो फैट यूटिलाइज कर लेती है यस yes, यस सो दैट्स यहां पे ऑप्शन क्या होगा ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है उनमें फैट लेयर क्यों नहीं होता है क्योंकि वो यूज कर लेते हैं ड्यूरिंग द हाइबरनेशन हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप समर स्लीप को क्या कहते हैं कोई बताएगा एनी वन समर स्लीप को क्या कहते हैं yes? यस चलो नेक्स्ट समर स्लीप को कौन क्या कहते हैं बताओ 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 एस्टिवेशन वेरी गुड प्रकृति वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड समर स्लिप को हम एस्टिवेशन कहते हैं वेरी गुड नेक्स्ट साइक्लोस्टोम्स आर साइक्लोस्टोम बट माइग्रेट फॉर स्प्रॉनिंग इन टू द फ्रेशर यह काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अभी जो तुम अगर एनिमल किंगडम नहीं पढ़ा होगा तुमने और जब तुमको पढ़ाया जाएगा ठीक है जिस क्लासेस में भी पढ़ रहे हो जिस ट्यूशन में भी पढ़ रहे हो तुमको ये एक्सप्लेन किया जाता है कि ये मुझे बाद में बताना ठीक uh, है रीजन क्या दिया कि लार्वा ऑफ साइक्लोस्टोम इज अ मेटामोर्फोफाइज इन मराइन वाटर क्या होना चाहिए इसका साइक्लोस्टोम जो होते हैं वो मराइन होते हैं फिशेस ठीक है फिश लेक ऑर्गेनिजम्स ठीक है बट वो फ्रेश वाटर के लिए जाते हैं अंडे देने के लिए स्प्रॉनिंग मतलब क्या अंडे देना ठीक है तो अंडे देने के लिए वो फ्रेश वाटर में जाते हैं रीजन क्या दिया है कि लारवी ऑफ द साइक्लोस्टोम इज मेटामफोसिस मेटामोर्फोसाइज इन मराइन वाटर मेटामोसाइज मतलब क्या लार्वी टू अडल्ट ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज अ मेटामॉर्फोसिस यस वेरी गुड वेरी गुड आशीष शिवा बोलो ठीक है तो साइक्लोस्टर्म्स आर मराइन बट माइग्रेट फॉर प्रोनिंग इंडे द फ्रेश वाटर मतलब साइक्लोस्टोम जो होते हैं वो अंडे देने के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं ठीक है फिर वो फ्रेश वाटर में ही अंडे जो है वो फूटते हैं फिर वो लार्वी बाहर निकलता है फिर वो फ्रेश वाटर में ही लार्वी जो है वो अडल्ट में ट्रांसफॉर्म होता है एंड फिर वो जो अडल्ट है वो बड़ा होने के बाद फिर से सी वाटर में जाता है तो यहां पे मुझे बताओ अभी कहां पे हो रहा है फ्रेश वाटर में हो रहा है या सी वाटर में हो रहा है फ्रेश वाटर में हो रहा है या सी वाटर में हो रहा है मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या लार्वा टू अडल्ट ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है लार्वा टू अडल्ट ठीक है इसको हम मेटामोस कहते हैं और मैं क्या बोला तुमको कि मे... ये जो लार्वा टू अडल्ट ट्रांसफॉर्मेशन है कहां पे हो रहा फ्रेश वाटर में हो रहा है ठीक है फ्रेश वाटर में हो रहा है और फिर बाद में अडल्ट होने के बाद वो फिर से सी वाटर में जा रहे हैं और यहां पे रीजन क्या दिया है कि लार्वी ऑफ द साइक्लोस्टोम्स इज साइक्लोस्टोमेटामॉर्फोसाइस इन मराइन वाटर तो यहां पे क्या होना चाहिए था कहां पे हो रहा है वो मेटामॉर्फोसिस फ्रेश वाटर में हो रहा है फ्रेश वाटर में हो रहा है ठीक है गौतम आशीष नैना शिवा तो क्या आना चाहिए यहां पे असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स ठीक है असर्शन इज इज ट्रू रीजन फॉल्स क्योंकि मेटामॉर्फोसिस यहां पे कहां पे हो रहा है फ्रेश वाटर में ही हो रहा है ठीक है लार्वी टू अडल्ट ट्रांसफॉर्मेशन कहां पर हो रहा है फ्रेश वाटर में ही हो रहा है फिर अडल्ट होने के बाद अडल्ट होने के बाद वो दूसरे अडल्ट की खोज में वो सी वाटर के लिए जाते हैं ठीक है वेरी गुड समझ आ गया क्लियर हो गया कंसेप्ट मजा आ गया ठीक है तो ये ये ध्यान में रखना और तुमको एक और एक इंटरेस्टिंग बात बता दो कि ये अंडे देने के बाद जो है ना ये मर जाते हैं ठीक है मतलब ये स, ये एक बार रिप्रोडक्शन कर लेते हैं अंडे देने के बाद ये मर जाते हैं ये ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते वाय uh, क्योंकि जब ये अंडे देते हैं ना ठीक है न, तो ये ये ध्यान में रखना है तुम्हारे किसी भी बायोलॉजी टीचर से पूछ लेना कि वाय वो मर क्यों जाते हैं साइक्लिस्टोम्स अगर वो अंडे देने के बाद कुछ ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहते क्यों बिकॉज जब वो अंडे देते हैं तो उनका जो रिपोडक्टिव uh, पार्ट होता है क्लोएका एंड ऑल ठीक है उस पर बहुत प्रेशर पड़ जाता है ठीक है वो डैमेज हो जाता है ड्यूरिंग एग एग्लिंग एंड फिर वहां पर डैमेज होने के कारण जो है वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाते सो दैट्स वाई वो ज्यादा दिन तक जीवित भी नहीं रहते ठीक है सो दैट इज एक्सट्रा नॉलेज चलो नेक्स्ट स्पॉन्जेस बिलोंग टू द पोरीफेरा ठीक है स्पॉन्जेस बिलोंग टू द विदोरीफेरा एंड रीजन क्या दिया है भैया उसमें कैनल सिस्टम होता है स्पॉन्जेस है कैनल सिस्टम ठीक स्पॉन्जिस हैव अ कैनल सिस्टम सही है क्या क्या होना चाहिए बोलो यस yes, मैं सबके कमेंट देख रहा हूं बी ऑप्शन बोल रहे हैं बहुत से लोग स्पॉन्जिस बिलोंग टू पूरी

आशीष नैना गौतम शिवा स्कॉर्पियन चलो नेक्स्ट अ शार्क कैन स्टे एट द डिजायर्ड लेवल इन विदाउट स्विमिंग शार्क यू नो शार्क ठीक है इनका क्या कहना है कि शार्क एक ही जगह पे रह सकती है तुमने डिस्कवरी चैनल देखा है तो तुमने जब डिस्कवरी चैनल देखा होगा नेशनल जियोग्राफिक देखा होगा कि तुमने देखा है शार्क जो है वो एक ही जगह पे ठहरी है कभी ठीक है रीजन क्या दिया इट हैज अ अयोनसी रेगुलेटिंग ऑर्गन कॉल्ड ए स्विम ब्लैडर इसमें होता होता है, है। है, तो सबसे पहले पहले। से करती है, ये बताओ मुझे पहले। अगर वो कॉन्ट्रिक्टिस से बिलोंग करती है तो उसमें एयर बैटर होता है क्या उसमें होता है है क्या? ठीक शार्क कभी भी एक जगह पे नहीं ठहरती बच्चों ये गलत दिया एसर्शन शार्क नेवर उनकी सारी एनर्जी हो जाती है ईश्वरी तक जाते जाते इसलिए वो डाई कर जाते हैं या वन ऑफ द रीजन वो भी हो सकता है वो reason, वो वन ऑफ द रीजन भी हो सकता है ठीक है लेकिन रिप्रोडक्टिव पार्ट से वो जब जाते हैं एग्स वगैरह वो भी डैमेज हो जाते हैं तो वो बहुत सारे फैक्टर्स मैट करते हैं आदमी जब मरता है तो एक ही रीजन से नहीं मरता बहुत सारे रीजन होते हैं ना मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से मोस्ट ऑफ द ऑर्गन ऑर्गेनिज्म मरते हैं दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन सो ही इज नॉट रॉन्ग यस देखो शार्क में एयर बैडर नहीं होता है बेटा शार्क कभी भी एक जगह पे नहीं रह सकती ठीक है तो इसमें बॉयसी वाला ऑर्गन नहीं होता है तो यहां पे डी ऑप्शन जिसने भी बोला दैट इज करेक्ट ठीक है दैट इज करेक्ट सो ये ध्यान में रखना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट शार्क कैन नेवर स्टे एट अ डिजाइड वाटर लेवल बिकॉज उसमें एयर बैडर नहीं होता है ठीक है नहीं होता है तो यह ध्यान में रखना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डी ऑप्शन आएगा इसका नेक्स्ट बर्ड्स में सिर्फ एक ही ओवरी होती है बर्ड्स में सिर्फ एक ही ओवरी होती है एंड रीजन क्या दिया है क्योंकि वो बॉडी वेट uh, कम करता है ड्यू टू फ्लाइट क्या लगता है सही है लॉजिकल है सही है क्या बर्ड्स हैव वन ओवरी बिकॉज दिस रिड्यूसेस द बॉडी वेट फॉर द फ्लाइट यस प्रकृति गैरी के ऑप्शन होना चाहिए बाकी भी बोलो भैंगनो ए भैया लाइक करो भयंगनो चलो स्कॉर्पियन भी कह रहा है ऑप्शन होना चाहिए प्रीति गैरी ऑप्शन होना चाहिए सही है ठीक है आशीष कैर सी सी नहीं दैट इज करेक्ट बर्ड्स में एक ही ओवरी होती है दैट इज करेक्ट एंड रीजन वही होता है उसका कि उसको बॉडी वेट रिड्यूस हो जाता है एक ही ओवरी के कारण एंड उसको फ्लाइट में आसानी होती है दैट शुड बी द करेक्ट तो ए ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा ध्यान में रखना बर्ड्स ओनली हैव अ वन ओवरी साथ ही में उनके बोन्स भी होते हैं वो न्यूमेटिक बोन्स होते हैं होलो बोन्स होते हैं जो उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं ठीक है सो ये ऑप्शन इज अ करेक्ट ठीक है ये भी एक फैक्टर है बेटा बोन्स का भी होता है ये भी रीजन है और ओवरी एक होने का कारण भी यही है दोनों है वेरी गुड ठीक है तुम्हारा लॉजिक सही नहीं है लेकिन ये दोनों लॉजिक लगते हैं मुझे तुम्हारा लॉजिक भी सही है लेकिन दोनों लगते हैं पे नेक्स्ट प्लाज्मोडियम वायबैक्स इज प्लाजमोडियम फॉर मलेरिया सही है क्या प्लाज्मोडियम वायबैक्स कारण मलेरिया होता है यस चार स्पीसीज होती है प्लाज्मोडियम की ठीक है फालसिपेरम वायबैक्स ठीक है एंड ये क्या कह रहा है इन्होंने क्या लिखा है कि मलेरिया इज कॉस बाय पोल्यूटेड वाटर पानी से होता है क्या मलेरिया बोन्स भी होते हैं बेटा उसमें पानी से होता है क्या मलेरिया बोलो बैंगन लोगो पानी से मलेरिया होता है क्या नहीं पानी से मलेरिया नहीं होता प्रीति कह रही है सही ठीक है स्कॉर्पियन बेटा पानी से मलेरिया कैसे होगा बेटा यस क्या आना चाहिए सी ऑप्शन आना चाहिए इस वेक्टरबॉन्ड डिसीज ठीक है मच्छर के काटने से होता है मोस्टली वेक्टर वेक्टरबॉन्ड डिसीज है ठीक है तो ध्यान में रखना सी ऑप्शन इज 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 अ करेक्ट आंसर ठीक ठीक है है ट्रू ट्रू रीजन रीजन नेक्स्ट बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड ठीक है और मैंने तुमको पहले एमसीक्यू में बताया था कि वार्म ब्लडेड का मतलब क्या होता है बर्ड्स आर एबल टू मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं तो सही है क्या

सिस्टमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम सही है क्या सही तो है एंड द एम ऑफ क्लासिफिकेशन इज टू ग्रुप द ऑर्गेनिजम्स ग्रुप ऑर्गेनिज्म होता है क्या क्लासिफिकेशन एम क्या होता है कि पढ़ने में आसानी हो क्लासिफिकेशन हम क्यों करते ताकि हमको जब भी रेफरेंस चाहिए तो रेफरेंस के लिए एंड उसको पढ़ने के लिए आसानी हो तो किसी भी चीज को पढ़ने के लिए हम क्लासिफाई करते हैं ठीक है तो यहां पे सी क्या होना चाहिए सी होना चाहिए यस yes? कैरेक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है yes. एक aim भी हो सकता है क्लासिफिकेशन के ऑर्गेनिज्म पर मेन एम क्या होता है उसका तो पे. ठीक है, है. जिसने भी सी बोला सही बात है? चलो, बर्ड्स एक्सेप्ट कुकू ये काफी इंटरेस्टिंग है. सब सब लोगों का ध्यान यहां पे चाहिए ठीक है सारे बर्ड्स एक्सेप्ट like कोयल कोयल हैं सारे बर्ड्स नेस्ट बांधते हैं अपना जो है वो घोसला बांधते हैं फॉर टेकिंग रेस्ट ड्यूरिंग द नाइट टाइम ठीक है जब होगा तो डे टाइम के लिए रेस्ट के लिए सारे बर्ड्स अपना घोसला बांधते हैं एक्सेप्ट द कुकू बर्ड ठीक है bird, और रीजन क्या दिया कोयल लेज इट्स एग्स इन द नेस्ट ऑफ टेलर बर्ड टेलर बर्ड के घोसले में कु, कुकू जो है वो अपने अंडे देती है सही है क्या तो, तो, तो सही बात ये तो फर्स्ट वाला एसेशन तो सही कि बेटा कुकू बर्ड जो होता है कोयल बर्ड जो होता है वो अपना घोंसला कभी नहीं बांधती कोयल बर्ड कुकू बर्ड अपना घोंसला कहीं नहीं बांधती सारे बर्ड बांधती है लेकिन कोयल जो है वो आलसी होती है नालायक होती है ठीक है वो दूसरों के घर में ही रहती है, करती है। रेस्ट करती है दूसरों के घोंसले में ही रेस्ट करती है ठीक है वो खुद का घोंसला कभी भी नहीं बांधती एंड यहां पर क्या दिया कि कोयल लेज इट्स एग्स इन द नेस्ट अभी आ, अपने अंडे बढ़ने के लिए उसको वार्म रखने के लिए वो क्या करती है कि वो कौवा जो होता है ना क्रो क्रो के नेस्ट में अंडे देती है बेटा वो टेलर बर्ड टेलर बर्ड मतलब वो सीविंग वाला बर्ड नहीं होता वो अपना एकदम ऐसा ऐसा वाला अब इसको हिंदी नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को मराठी आई थिंक सुतार पक्षी बनता ठीक है ऐसा वाला घोसला बनाते हैं ना वो एकदम सी के एकदम अच्छे से तो उसके घोसले में तो नहीं देती दैट इज टेलर बर्ड के घोसले में तो नहीं देती क्रो के नेस्ट में देती यस

बैट्स एंड वेल्स आर क्लासिफाइड एज अ मैमल्स ठीक है क्या बैट्स और व्हील्स को हम मैमल्स कहते हैं क्योंकि उसमें चार चैम्बर्ड हार्ट होता है सही है क्या सही लग रहा है क्या तुमको भाई बोलो किसी भी चीज को हम मैमल्स कब कहते हैं किसी भी चीज को हम मैमल्स कब कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम मैमल्स कब कहते हैं कि जिसमें उसमें मेमोरी ग्लैंड्स हो जिसमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं यस yes, उसको हम मैमल्स मैमल्स कहते हैं तो बैट्स आर नो डाउट सही है लेकिन चार चैम्बर वाला हार्ट है ठीक है उसमें चार चैम्बर वाला हार्ट होता है ये भी सही है लेकिन दैट इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या वो दैट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है तो क्या आ जाएगा भैया बी ऑप्शन ठीक है मैमल्स का ठीक है मैमल्स का फीचर क्या है बैट्स एंड वेल्स आर मैमल्स ठीक है मैमल्स का फीचर में आ जाता है कि मैमल्स में चार चेंटर हार्ड होता है ठीक है तो बर्ड्स में भी चार चेम्बर हार्ड होता है ठीक तो है तो मैमरी ग्लैंड रीजन बर्ड उसमें मेमोरी ग्लैंड होते हैं दैट्स इट एज मैमल्स ठीक है हेयर्स होते हैं एंड वहां पर देखा जाए तो बी ऑप्शन इज अ करेक्ट ठीक है दैट इज नॉट अ करेक्ट थैंक यू शैलेश ठीक है चलो नेक्स्ट थैंक यू बाबा बस का बाबा चला नेक्स्ट

आशीष स्कॉर्पियन नैना कांग्रेचुलेंस कांग्रेचुलेंस ठीक है वेरी गुड तो ध्यान में रखना इम्प्रॉपरली कुक फूड इज नॉट अ सोर्स ऑफ ऑल इंटरेस्ट एंड यस नेक्स्ट अभी ये बताओ ये भी अभी कंसेप्चुअल है यस प्रीति कंसेप्चुअल है डग अभी ये 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 सही बताना है तुम लोग मुझे ये सही बात है कि नहीं बताओगे डग बिल प्लेटिपस डग बिल प्लेटिप एंड स्पाइनी एंडिटर बोथ आर अंडे देने वाले एनिमल्स बट फिर भी उनको मैमल्स कहा जाता है ठीक है डग बिल प्लेटिपर्स एंड स्पाइनी एंड इटर बोथ आर एग लिंग एनिमल्स बट दे आर ग्रुप अंडर द मैमल्स रीजन क्या दिया है कि उसमें सेवन सर्वाइकल वर्ट्रीब्रा होती है बारह पेयर्स ऑफ एनिमल्स होते हैं हेलो चैतन्य गुड इवनिंग बताओ गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग डग बिल प्लैटिपर्स एंड स्पाइन स्पाइनी एंड इटर ठीक है दे आर मैमल्स ठीक है वो अंडे देन, अंडे देते लेकिन उनको फिर भी मैमल्स कहा जाता है ठीक है ऑप्शन बी शैरेश कह रहा है ऑप्शन बी प्रकृति कह रहा है ऑप्शन बी प्रीति आशीष गौतम सी होना चाहिए कह रहा है आई एम फाइट चैतन्य ठीक है तो दैट इज द राइट ऑप्शन इज बी ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है बी ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है डग बिल प्टी परसेंट स्पाइनी एंड इटर आर द एग लिंग एनिमल्स ठीक है सही बात है फिर भी उनको मैमल्स कहते हैं वाई बिकॉज अगर हम देखें तो उनका जो डायफ्राम होता है उनके अंदर डायफ्राम प्रेजेंट होता है उनकी बॉडी का ऊपर हेयर ग्रोथ होती है एंड मेन उनमें मेमरी ग्लैंड्स होती है ज वन ऑफ द मेन रीजन ठीक है सो so, ये सेवन सर्वाइकल वर्टीप्री ट्वेल्व ऑफ एमल एक्सप्लेनेशन दैट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन सो दो सही है लेकिन दैट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेन क्लियर है मजा आ गया कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहे देखो सेशन अटेंड करने का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है कंसेप्ट क्लियर होना मांगता है तुमको देखो बहुत सारे टर्म्स जो है वो पता चल रहे हैं तुमने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो तुमको नॉलेज मिल रही है जो वही तुम, तुमको एनसीआर वाला जब पढ़ोगे तो और अच्छे से समझेगा दैट्स दिस आर इंपोर्टेंट और कोई भी मिस नहीं करेगा ठीक है चलो नेक्स्ट सिलेंट्रेट्स आर द ट्रिप्लो प्लास्टिक सिलेंट्रेट आर दिप्लो प्लास्टिक ठीक है अब वाई एंड यहां पर रीजन क्या दिया है? कि सिलेंट्रेट कंटेन मिजोडम इन बिटवीन एक्टोडम एंड इंडोडम सही है क्या किसी भी चीज को हम ट्रिपलो प्लास्टिक कब कहते हैं जब उसमें तीनों लेयर होते हैं एक्टोडम एंडोडम एंड मीजोडम ठीक है अगर उसमें तीनों लेयर है तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं ट्रिप्लो प्लास्टिक ठीक है हम इसको ट्रिप्लो प्लास्टिक कहते हैं तो सही है क्या यस प्रीति ये ऑप्शन होना चाहिए सिलेंट्रेड सारिपलो प्लास्टिक नो डाउट अबाउट इट या नहीं मैं देखना चाहता हूं सिलेंट्रेड सार ट्रिप्लो प्लास्टिक है क्या स्टिक किसी भी ऑर्गेनिज्म कहते हैं जब इसमें तीन लेयर होते हैं लेकिन सिलेंटेड आर ट्रिप्लो प्लास्टिक है क्या ये बताओ प्रकृति के रही डी होना चाहिए वाई वाई प्रकृति शुड बी डी सी होना चाहिए बेटा आई थिंक द प्रकृति इज राइट right. प्रकृति कभी भी गलत नहीं होती ओवरऑल अगर हम बात करें तो यस नैना नैना सही बात है तो बेटा रिसर्च ये गलत है ना बेटा तो बी ऑप्शन कैसे आएगा नैना सी ऑप्शन कैसे आएगा ठीक है सी ऑप्शन कैसे आएगा यही गलत है असरशन ही गलत है बेटा ठीक है असरशन ही गलत है सो दैट इज नॉट अ डिप्लोब्लास्टिक उनको हम डिप्लो ही कहते हैं वी वी इट कॉल डिप्लोब्लास्टिक बेटा सही है ना यस सो अशन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स ठीक है इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स ठीक है तो ये ध्यान में रखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हेलो शुभम हाउ आर यू लेट्स मीट सून इन चलो चलो नेक्स्ट

यस 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 ऑन पीपल यस सही है डायजिस्टिस इनकम्प्लीट क्योंकि उसमें एक ही ओपनिंग होती है इसको कौन सा कौन सा पैटर्न बोलते हैं इसको इसको नाम क्या दिया जाता है अगर एक ही ओपनिंग बॉडी में प्रेजेंट है तो उसको क्या कहा जाता है कौन सा नाम दिया जाता है एनिमल बता, बता बताओ बताओ हाँ. हंग चलो सही है ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ए जिसने बोला सही है प्रकृति वेरी गुड ब्लाइंड सैक बॉडी पैटर्न उसको कहा जाता है ब्लाइंड सैक बॉडी पैटर्न उसको कहा जाता है उनको रेडियल सिमेट्रिकल कहा जाता है रीजन क्या दिया है देअर बॉडी कैन बी डिड इन टू टू इक्वल हाफ इन एनी प्लेन यहां पर दो वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है ठीक है रेडियल सिमेट्री एंड बायोलेटरल सिमेट्री में क्या डिफरेंस है दोनों में इक्वल हाफ इक्वल हाफ वर्ड है लेकिन बायोलेटरल सिमेट्री जब हम कब कहते है? सिर्फ वन प्लेन में अगर एक ही प्लेन में इक्वल हिस्से हो रहे हैं देन वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ बायोलेट्रल सिमेट्री अगर किसी भी एंगल से मतलब अगर ये सर्कल है सपोज ठीक है और मैं अगर इसको इसके सेंटर में जाने वाली कोई भी लाइन पास करूं इसमें से एज लाइक दिस

एज लाइक दिस देन वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अट्रेस ऑप्शन इज करेक्ट ठीक है चलो भैया वेरी गुड वेरी गुड यस प्रकृति गौतम नयना वेरी गुड वेरी गुड चलो नेक्स्ट अब ये ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसके मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी बताने वाला हूं ठीक है ध्यान से सुनो ये एमसीक्यू काफी इंपॉर्टेंट है ये लगभग लगभग पंद्रह से बीस बार एमसीक्यू आया है नीट में पंद्रह से बीस बार एमसीक्यू आया ये तो इसको ध्यान में रखना है ठीक है असोलेशन क्या दिया है ओबिलिया शोज मेटाजेनेसिस ओबिलिया शोज मेटाजेनेसिस ठीक है एंड यहां पे रीजन क्या दिया है ओबिलिया इज अ पोलीमोर्फिक ऑर्गेनिज्म पोलीमोर्फिक ठीक है अभी ओबिलिया ठीक है अगर हम बात करें ठीक है अभी ओबिलिया इज अ ऑर्गेनिज्म ठीक है उसमें मेटाजेनेसिस पाया जाता है अभी मेटाजेनेसिस मतलब क्या इसमें दो बॉडी फॉर्म्स पाए जाते हैं दो बॉडी फॉर्म्स कौन से पोलैप एंड मेडुसा पोलैप एंड मेडुसा ठीक है तो पोलैप एज लाइक दिस ठीक है पोलैप सेडेंटरी होता है ठीक है एंड मेडियो साइज लाइक दिस ठीक है और ये ये दोनों एक्सटर्नल मॉर्फोइम है ठीक है ये एक्सटर्नल एक्सटर्नल अपियरेंसेज है इसको हम क्या कहते हैं इसको हम यहां पे हम इसको क्या कहते हैं ठीक है पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म पॉलीमॉर्फिक दोनों फॉर्म में पाया जाता है इसके हम इसको क्या कहते हैं पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं so सही ये ये सेडेंटरी फॉर्म में भी पाया जाता है ये मेडुसा फॉर्म में भी पाया जाता है और एक दो फॉर्म में पाया जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं हम इसको पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं लेकिन मेटाजेनेसिस क्या होता है बेटा मेटाजेनेसिस क्या होता है मेटाजेनेसिस में क्या होता है कि पोलैप जो है वो मेडुसा को प्रोड्यूस करता है असेक्सुअली थ्रू द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक है मैंने दिया ना बेटा सुल्तान मैंने टेलीग्राम पे बताया मैंने यहां पे भी दिया ठीक है एंड मेड्यूसा प्रोड्यूसर्स पोलैसे ठीक है तो इसको हम मेटाजेनेसिस कहते हैं इसको हम मेटाजेनेसिस कहते हैं देखो ये कोई नहीं पढ़ाएगा तुमको इतना डिटेल और इतना बेस्ट कोई नहीं पड़ेगा तुमको ठीक है ये जो रिप्रोडक्शन का हो रहा है ना बेटा पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या कि एक्सटर्नल अपेयरेंस अलग अलग एक्सटर्नल अपेयरेंस एक्सटर्नल अपेयरेंस एक्सटर्नल डिफरेंट एक्सटर्नल अपेयर ठीक है एंड ये, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है ठीक है और ये क्या करता है पोलैप प्रोड्यूसेस मेड्यूसे असेक्सुअली असेक्सुअली ठीक है एंड मेड्यूसेस प्रोड्यूसेस पोलैप इसको कैसे ध्यान में रखते है? देखो ठीक है इसको कैसे ध्यान में रखते हैं देखो पीएम मोदी आए ठीक है आए एमपी से इसको ऐसे ध्यान में रखना है ठीक है इसको ऐसे ध्यान में रखना है पीएम मोदी आए एमपी से तो पोलिया प्रोड्यूसेस मेड्यूसा असेक्सुअली ऐसे क्या आएगा असेक्सुअली एंड मेड्यूसा प्रोड्यूसेस पोलिया से से मतलब सेक्सुअली ऐसी ट्रिक मजा आया कि नहीं आया पीएम मोदी आए मोदी से सॉरी पीएम मोदी आए एमपी से ठीक है सो so, पोलिया है थ्रू रिप्रोडक्शन और इसी को हम क्या कहते हैं so, ये दोनों डिफरेंट टर्म है ठीक है ये दोनों डिफरेंट टर्म है ओबिलिया मेटाजेनेसिस शो करता है करेक्ट है ओबिलिया मॉर्फिज्म सेलेक्ट करता है इन दोनों का एक से कोई रीजन है क्या तो क्या आना चाहिए यहां पे इन दोनों का एक दूसरे से कोई रिश्ता आ रहा है क्या दोनों अलग अलग टर्म है पॉलिम इज डिफरेंट एंड मेटाजेनेसिस इज डिफरेंट तो इसका आंसर क्या आना चाहिए बोलो अभी बी ऑप्शन चाहिए वेरी गुड समझ आ गया तो ओबिलिया मेटाजेनेसिस शो करता है ओबिलिया पॉलिमोर्फिजम शो करता है पीएम मोदी आए एमपी से करेक्ट है देखो सबने सही आंसर दिया है सबने से ड्रीम ड्रीम होली गर्ल सुल्तान प्रीति सुल्तान मजा आया कंसेप्ट क्लियर हो गया ये ऐसे चैप्टर का, हो गया? एक का करेंगे आप clear, है? चलो नेक्स्ट अब फिर से वही क्वेश्चन आया है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट ये बेटा ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी तुम्हारी बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर कर देगा मेटाजेनेसिस इन ओबेलिया इज इक्विवेलेंट टू द अल्टरनेशन ऑफ जेनर इन द प्लांट ठीक है शन ऑफ जेराज हमने देखा प्लांट में होता है to का ट्रांजिशन जो होता है उसको हम अल्टरनेशन ऑफ जेनराज कहते हैं रीजन क्या दिया है ओबेलिया ठीक है अभी लोग कह रहे हैं कि बी ऑप्शन होना चाहिए बहुत से लोग कह रहे हैं बी ऑप्शन होना चाहिए ठीक है तो अभी बहुत बहुत, बहुत प्रकृति के रिज सी होना चाहिए ठीक है प्रकृति के रिज सी, सी होना चाहिए अच्छा ठीक है और किसी का कुछ डिफरेंट ओपिनियन ठीक है बेटा देखो ये तुमको कोई नहीं बताएगा ये मैं ये मैं बताऊंगा सिर्फ इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा देखो यहां अभी बेटा मेटाजेनेसिस में मेटाजेनेसिस जो ओबिलिया में होता है उसमें ये जो पोलैप और ये जो फॉर्म है ना मतलब ये पोलैप फॉर्म मतलब सेडेंटरी फॉर्म पोलैप पोलैप से ही बन रहा है मेड्यू से ठीक है और मेड्यू से, से ही बन रहा है पोलैप तो इसमें कुछ भी माइटोसिस मियोसिस नहीं हो रहा है बस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली हो रहा है ठीक है तो इसमें पोलैप एंड मेड्यूसा दोनों भी दोनों ही डिप्लॉयड रहते हैं डिप्लॉइड दोनों के डिप्लॉयड है नो डाउट अबाउट इट दे बोथ आर डिप्लॉयड सो मेटाजेनेसिस में ट्रांजिशन नहीं होता है लेकिन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हमने क्या देखा है स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट इज है समझ आ गया यस yes, प्रकृति ठीक है यस वेरी गुड द आंसर क्या आ जाएगा यहां पे इन्होंने क्या बोला है मेटाजेनेसिस ओबिलिज इक्विवेलेंट टू द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट इक्विवेलेंट है क्या नहीं है इक्विवेलेंट दी इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस एंड इसमें हैप्लोडिप्लॉइड वाला होता है क्या नहीं होता है तो आंसर क्या आना चाहिए डी डी ऑप्शन बोथ आर रॉन्ग बोथ आर रॉन्ग क्योंकि

सब्सक्राइब करना है ठीक है एम्स लेवल प्रिपरेशन करनी है अपने को सीधा चलो डी ऑप्शन नेक्स्ट एस्किडिया बिलोंग टू देन रीजन क्या दिया है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन लार्वल स्टेजेस नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन लार्वल स्टेजेस ऐसा बोला है बैंगनों का दिमाग चकरा गया चलो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन टेल ऑफ द लार्वल स्टेजेस सही है क्या

बर्ड्स हैव न्यूमेटिक बोन्स एंड दिस रिड्यूस द वेट ऑफ द फ्लाइट करेक्ट है ए ऑप्शन यस. बैंगन फेंक के मारने की जरूरत नहीं है प्रगति गौतम सुल्तान बर्ड्स में न्यूमेटिक बोन्स होते हैं न्यूमेटिक बोन्स मतलब हॉलो बोन्स होते हैं और वो उसको फ्लाइट में हेल्प करते सिंपल यू ऑप्शन सिंपल इजी चलो नेक्स्ट स्नेक जो है अपनी स्किन निकालता है ठीक है स्किन शेड करता है रीजन क्या दिया है इट विल अलाउ कंटिन्यू ग्रोथ ऑफ द स्नेक ये ग्रोथ कंटिन्यू करवाता है स्नेक की सही है क्या स्नेक शेड देयर स्केल एज अ स्किन कास्ट रीजन क्या दिया इट अलाउ कंटिन्यू द ग्रोथ ऑफ स्नेक करेक्ट करेक्ट है यस ए ऑप्शन स्नेक क्यों निकालते हैं अपनी स्किन क्योंकि वो ग्रोथ ऑफ द स्नेक को हेल्प करता है कंटिन्यू करता है यस उसको मेटामॉर्फोसिस करने में हेल्प करता है तो ये ऑप्शन इज करेक्ट डेड हो जाता है वो तो they, it's, 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 it's है वो टिश्यू तो दैट्स द द इट्स 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 स्किन करता कंटिन्यूज ग्रोथ ऑफ स्नेक करेक्ट चलो डेड स्किन निकालता है वो हेल्प इन ग्रोथ अल्टीमेटली उसका एम ग्रोथ करना होता है नेक्स्ट ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स सारे के सारे वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स होते हैं रीजन क्या दिया है डिंग पीरियड सही है क्या अरे स्किन स्किन अपना क्यों है ठीक है तो एक टाइम के बाद स्किन स्किन की की वो जो, की वो जो जो स्नेक है डेड हो जाती है एंड उसको थोड़ा ग्रो करना होता है स्किन का लेयर बढ़ाना होता है तो वो स्किन वो स्केल को निकाल देता है और नया रूप ले लेता है, तो ग्रोथ में हेल्प करता है. चलो ऑल वर्टीप्रेट्स बट ऑल आर नॉट वर्टिब्रेट्स ये हमने देखा है ठीक है Why? और सारे कॉर्डेट्स क्यों क्योंकि सब में क्या होता है नोटोकॉर्ड होता है ड्यूरिंग स्टेज तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा मोस्ट स्पॉन्जस बॉडी आर असीमेट्रिकल स्पॉन्जस की बॉडी असीमेट्रिकल होती है ठीक है सही है क्या मुझे तो सही लग रहा है क्योंकि इन्होंने दिया है कि उसको टू इक्वल हाफ में हम किसी भी प्लेन से नहीं कर सकते सही है इजी है ये ऑप्शन होना चाहिए बोलो सबके साथ बैंगनो है यस ऑप्शन होना चाहिए यस नो डाउट मोस्ट ऑफ द स्पॉज आर बॉडी आर सेट टू बी सिमेट्रिकल ठीक है बिकॉज बॉडी ऑफ मोस्ट ऑफ दस कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ थ्रू एनी प्लेन तो ये ऑप्शन करेक्ट है चलो नेक्स्ट

क्या बात है क्या बात है बातें सौ बच्चो अंजर आते रहने चाहिए भाई आते रहने चाहिए अच्छा ये बताओ पॉडकास्ट देखा कि नहीं देखा मैंने एक पॉडकास्ट डाला था अभी डॉक्टर के साथ डॉक्टर पत्नी के साथ ठीक है उसमें मैंने एम क्या होता है कैसी फीस होती है क्या स्ट्रक्चर होता है ये, ये नहीं ये तो सिंपल है एम के पास स्कोप क्या है क्या क्या करना पड़ता है क्या क्या नहीं करना पड़ता है क्या क्या चेंजेस हुए हैं अभी वो सब बताया है ठीक है अगर नहीं देखा है तो देखो अभी पॉडकास्ट ठीक है डॉक्टर रियलिटी ऑफ एमबीबीएस नाम के आपको मिलेगा पॉडकास्ट hmm. तो देख लेना करियर की मशाला नई सीरीज चालू की है मैंने तुमको डिफरेंट मेडिकल करियर्स के बारे में मैं बहुत ही इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ तो नेक्स्ट एपिसोड भी आएगा hmm. स्टेट्यून यस yes? चलो तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है नो no डाउट चलो नेक्स्ट सिलेंट्रेट्स आर कॉल्ड एज सिलेंट्रेट्स को हम निडारियंस कहते हैं ठीक है नेक्स्ट बिकॉज दे ऑन द टेंटेकल्स एंड द बॉडी

सुल्तान प्रीति सही बात है ये ऑप्शन करेक्ट है चलो नेक्स्ट इज वेल बायोल्यूमिन टीनोफोरस में बायोलूम पाया जाता है मतलब अंधेरे में चमकने की क्षमता जो होती है है दैट इज ठीक एंड रीजन क्या दिया है ऑल आर एक्सक्लूसिवली मराइ वो समुंदर में ही पाए जाते हैं इसलिए वो बायोल्यूमिन है सही है लॉजिक बनता है कि इस बात का दोनों सही है लेकिन लॉजिक बन रहा है क्या यस ऋषभ ऋषभ बोल रहा है बी ऑप्शन लगा दो सर यस yes, गौतम भी कह रहा है ड्रीम गर्ल थोड़ा सोचो और ये ऑप्शन कैसे होगा बेटा ऐसा थोड़ी जरूरी थोड़ी है बेटा कि बायोल्यूमिनन्स सिर्फ मरन एनिमल्स में ही पाया जाता है जरूरी नहीं है यस yes, सुल्तान प्रकृति बी ऑप्शन होना चाहिए ठीक है असरशन एंड रीजन आर ट्रू बट दैट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है उसमें केमिकल्स होते हैं दैट्स वाई उनमें वो प्रॉपर्टीज होती है बायोल्यूमिनन्स की चल नेक्स्ट एनिरीडा शोज मेटामेरिक सेगमेंटेशन आता वट डू इंडा मेटामेरिक सेगमेंटेशन ठीक है रीजन क्या दिया उन्होंने कि बॉडी ऑफ द एनिडल एक्सटर्नली एंड इंटरनली सिमिलर होती है मतलब अगर यहां पे अगर मैं ये अभी सपोज ये बॉडी ऐसे बाहर से डिवाइडेड है ठीक है और ये अंदर से भी डिवाइडेड है इसमें इसमें अलग ऑर्गन है इसमें अलग ऑर्गन है इसमें अलग ऑर्गन है इसमें अलग ऑर्गन है ठीक है, 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 है तो ये दोनों अंदर और बाहर दोनों से डिवाइड है ऐसे मेटामे so मेटामेरिज्म है? बोलते हैं उसको उंड इन तो सही बात है ये ऑप्शन होना चाहिए अगर एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों से डिवाइडेड है तो मेटामो ठीक है सिर्फ सेगमेंटेशन मतलब क्या सिर्फ बाहर से अलग अलग पार्ट है लेकिन अंदर से सब एक ही है अंदर से सब एक है ऐसा लेकिन बाहर से अलग पार्ट है तो सेगमेंटेशन तो बहुत लोगों में आर्थोकोडा में भी पाया जाता है लेकिन एनिडा में मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है को हम सही लग रहा है

बेटा फ्लैट बोल रहा हूँ तो वो, वो वर्टिकली फ्लैट होनी चाहिए ना समझ रहे हो दिस दिस इज द लैटरली फ्लैट दिस इज द लैटरली फ्लैट और वर्टिकली फ्लैट दिस इज तो इसको इसीलिए हम फ्लैट कहते हैं ना सो so क्या आना चाहिए सी ऑप्शन आना चाहिए

एप्शन इज करेक्ट चलो नेक्स्ट ऑल मैमल्स आर वीवीपेरस ऑल मैमल्स आर वी पेरस ठीक है ऑल मैम वीवीपेरस ठीक है रीजन क्या दिया है बिकॉज ऑल मैमल्स ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सारे मैमल्स जो है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन रखा सारे मैमल्स वीवीपेरस है क्या

मजा आया ठीक है सो नाउ मोस्टली मोस्टली वी विल टेक ह्यूमन फिजियोलॉजी हम असरिशन रीजन ह्यूमन फिजियोलॉजी के आफ्टर द दिवाली शुरू करेंगे मोस्टली उसके पहले मैं अभी तुमको पॉडकास्ट डाल दूंगा ठीक है पॉडकास्ट रिविजन करने के लिए सिल डिविजन का देन उसके बाद तो, दो इंटरव्यूज भी आएंगे एमबीबीएस के ही बारे में ठीक है या बी एम एस वीडीएमएस के भी बारे में लाएंगे तुम वो भी इंफॉर्मेशन तुमको मिलेगी ठीक है एंड बाकी इंफॉर्मेटिव वीडियो आते रहते हैं तो भैया एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे मिलेगा डॉक्टर शुभम के नाम से चैनल है मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिलेगी तुमको और ये सेशन के बाद कमेंट भी करना तुमको कैसा लगा ठीक है यस डेट बिल्ड पार्टी बस बहुत सारे एमसीक्यूज लेने वाले हम ठीक है तो मिलते हैं अगले सेशन में तब तक के लिए बाय बाय ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते रहो ह्यूमन फिजियोलॉजी का लेने ही वाला हूं मैं ठीक है so, सो बाय 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 लाइक करो सब्सक्राइब करो मिलते हैं अगले सेशन में एंड प्लीज़ अपने दोस्तों को बुलाओ उनको बताओ बायोकट्टा के बारे में ज़्यादा जितने बच्चे आएंगे उतना ज़्यादा कंटेंट लाऊंगा तुम्हारे लिए उतने ज़्यादा रोज़ लाइव आऊँगा फिर अगर बच्चे आ रहे रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो ठीक है चलो बाय बाय